अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुबीन अहमद ख़ान, सेडम तालुका, ज़िला गुलबर्गा, रियासत कर्नाटक से। कर्नाटक की हुकूमत की जानिब से रियासत भर के मसाजिद के इमाम और मौद्दिनीन के लिए कोरोना रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। इस रिलीफ पैकेज के ज़रिए इमाम और मौज़िनीन को 3,000 रुपये बतौर हदिया हुकूमत कर्नाटक की तरफ से दिया जा रहा है। रियासत भर के मसाजिद के ज़िम्मेदारान, खुसूसन इमाम और मौज़िनीन इस शुबे में हैं या इस शक में है, सवालात कर रहे हैं, क्या ये रिलीफ पैकेज रियासत भर के सारे मसाजिद के इमाम और मौदिनीन के लिए है या इसमें उन मसाजिद को शामिल किया गया है या उन मसाजिद के इमाम और मौदिनीन को दिया जा रहा है जो वक्फ बोर्ड से मुंसलिक है। इसी शक व शुबात को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। मैंने रियासत कर्नाटक के वक्फ बोर्ड चेयरमैन से फ़ोन पर बात की, क्योंकि बहुत सारे इमाम और मौद्दिनीन की मेरे पास कॉल आई। उनकी ये फरमाइश थी कि उन्हें इस सिलसिले में वजाहत करें। तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन रियासत कर्नाटक के, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने पूरी तरह ये वादे किया कि ये रिलीफ पैकेज उन्हीं मसाजिद के इमाम और मौद्दिनीन के लिए जारी किए गए हैं जो मसाजिद वक्फ बोर्ड से मुंसलिक हैं। तो ये बात वाज़े हुई है कि इन पैकेज का पूरा पूरा फ़ायदा या इन पैकेज को उन्हीं मसाजिद के इमाम और मौद्दिनीन को दिया जाएगा जो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है। बकिया जो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है वो लोग इस पैकेज से महरूम रहेंगे। उन्होंने पूरी तरह इसकी वजाहत की है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जो लोग व्हाट्सएप पर या फ़ोटोज़ डालकर ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं कि हर मसाजिद के इमाम और मुअज्जिनीन के लिए ये पैकेज है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस तरह बग़ैर किसी वाज़े सबूत के या बग़ैर किसी ख़बर के इसको शेयर ना करें। अस्सलामु अलैकुम।